नमस्कार, आज हम आपके सामने बनाएंगे ब्रेड बास्केट। ब्रेड बास्केट बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड के किनारे हटाएंगे कुछ इस तरह से। मैंने सारे ब्रेड के किनारे हटा लिए। अब मैं इन ब्रेड के चार चार पीस इस तरह से करूंगी। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे ब्रेड के पीसेस कर लेंगे। सारे ब्रेड के मैंने पीसेस कर लिए हैं। अब हम इनका स्पंज हटाने के लिए चकला बेलन से इन्हें इकसार करेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से हम बेलन से इनका स्पंज हटा देंगे। इसी तरह से हम सारे ब्रेड रेडी कर लेंगे। ब्रेड के पीसेस को रेडी कर लेंगे। ये ब्रेड बास्केट बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ब्रेड मैंने इस तरह से बेलन से इकसार कर लिए हैं, चकला बेलन से। अब हम ब्रेड बास्केट में भरने का सामग्री तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने लिए है बारीक कटी हुई प्याज। काफी बारीक काटनी पड़ती है इसमें। थोड़ी सी शिमला मिर्च, सिर्फ फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए। बारीक कटा हुआ टमाटर 2 चम्मच, पनीर थोड़ा सा, काफी बारीक कटा हुआ है, देखिए 1 चम्मच स्वीट कॉर्न, 1 चम्मच चीजी स्प्रेड। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, बहुत थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च। अब इस मिक्सर को हम मिक्स कर लेंगे। पेस्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ हरे धनिए की पत्तियां और इसे चला लेंगे। ब्रेड बास्केट बनाने के लिए अब हम अपने स्टैंड को गैस पे रखा है और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस तरह से सब पे। अब हम इसमें ब्रेड के पीस को कुछ इस तरह से रखेंगे और इसमें ये जो हमने मिक्स मसाला बनाया है इसको इसमें भर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से। एक और रखकर बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ब्रेड का पीस इस तरह से रखा और उसमें ये हमने बना हुआ पेस्ट इस तरह से रखकर स्पून से ही इसको नीचे कर दिया। इसी तरह से हम सारे अप्पे स्टैंड कवर कर लेंगे ब्रेड से। ब्रेड बास्केट सारे अप्पे स्टैंड में हमने तैयार कर दिए हैं। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे और बीच बीच में चेक कर लेंगे कि ये नीचे की साइड से सिके या नहीं। ब्रेड बास्केट सिक गई है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब हम इन्हें उतार लेंगे इस तरह से। गैस को बंद कर देंगे। इस तरह से हम सभी बास्केट को प्लेट में उतार लेंगे। स्पून की सहायता से मैंने सभी ब्रेड बास्केट को प्लेट में उतार लिया है। ये सर्व के लिए तैयार है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। यदि आपको मेरे बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।